हूं सोहन प्रजापत, स्वागत करता हूं आपका अपने MKS राजस्थानी ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं आया हुआ हूं आज नागौर के मुख्य सेंटर पर, जहां जोधपुर दरबार, राजा साहब जोधपुर दरबार के राजगुरु जिनका मंदिर है, जो मंदिर है नाथ जी महाराज के नाम से मंदिर है, जो बड़ली के अंदर आया हुआ है, जो बड़ली नागौर के मुख्य सेंटर पर है, और मैं आया हूँ वहाँ पे। तो आज आपको बहुत ही भव्य और बहुत ही पुराना मंदिर है, जो करीबन 600 साल पुराना मंदिर है, 600 वर्ष पुराना मंदिर है, उसका मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। तो आइए, मैं ले चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर। दोस्तों, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यही वो मंदिर है, यही वो जगह है जहाँ मैं आपको पूरे मंदिर का व्यू और पूरे मंदिर का दृश्य दिखाऊंगा, जो नाथ जी महाराज का मंदिर है और जो राजा जोधपुर दरबार, जो नागौर दरबार के राजगुरु थे। पूर्वजों ने ऐसा बताया है इस मंदिर के बारे में, जो कि राजा अगर कोई गुनाह कर देता, बहुत बड़ा से बड़ा गुनाह कर देता, उस गुनाह को भी अगर राजगुरु के पास में आ जाता तो उस गुनाह को राजा माफ कर देता था, ऐसा पूर्वजों ने बताया है। इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। ये है दोस्तों नाथ जी महाराज के पद चिन्ह, जो पैरों के पद चिन्ह है, वो है जो पैरों के निशान। दोस्तों, ये है मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र अनिल गहलोत, जो मेरे साथ में काम करते हैं। आ चुके हैं इस मंदिर के बारे में बात करता था मैं, उसी मंदिर के आगे ले चलता हूँ आपको अंदर मंदिर के अंदर। दोस्तों, यही वो मंदिर है, बहुत ही पुराना, जिसकी कलाकृति देख करके आप अचंभित हो जाएंगे कि इतनी कलाकारियां भी पहले होती थी। ये ऊपर का दृश्य है, ये वही छतरी है श्री 1008 नाथ शाह श्री लड्डूनाथ जी महाराज, उनके पद चिन्ह, उनकी प्रतिमा।
वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।